स्वीकार कर दिया। प्रहलाद जी ने आकर के भगवान से कहा, हे प्रभु, जिस जीव के ऊपर आपकी कृपा नहीं है वो जीव वैकुंठ में आना नहीं चाहता है। गटर का कीड़ा गटर को भी एयर कंडीशन भवन मानता है। आपकी माया ने हर जीव को मोहित करके रखा है। इसका अर्थ होता है घर में दूध की कमी नहीं, घर में दही की कमी नहीं, घर में शरबत की कमी नहीं, पर दारू की बोतल के बिना मामला नहीं जमता है। दारू पीने वाला आज तक कभी वैकुंठ में पहुंचा है क्या? दारू पीने वाला कभी स्वर्ग में गया है? नहीं जा सकता। और दूसरी चीज, धनिया की कमी नहीं, जीरे की कमी नहीं, साग तरकारी की कमी नहीं, पर लहसुन की चटनी के बिना मामला नहीं जमता है। लहसुन खाने वाला कभी वैकुंठ में पहुंचा है? भगवान की प्राप्ति के लिए और स्वर्ग के लिए तामसिक भोजन इंसान को छोड़ना पड़ता है। कर्म करिया बिना फल नहीं मिले। कर्म कोई करे और फल कोई भोगे, या थोड़ी हो सके। सुखदेव जी कहते हैं भगवान कि प्रहलाद जी ने अमर स्तुति की, भगवान ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया। सुखदेव जी कहते हैं राजा इस कथा का श्रवण करता है वो 84 की चक्र से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, नरसिंह भगवान की जय। ये भागवत की कथा भगवान के नाम की अनमोल कथा है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक ऐसा जीवन में मौका नहीं मिलता है। एक भजन में महात्मा कहते हैं, मोको लागियो रे सत्संगी थारो भाग जाइयो रे। अरे मोको लागियो रे वो सत्संगिया थारा भाग्यो रे, अरे मोको लाग्यो रे सत्संगिया थारा भाग जाग्या रे, मोको लाग्यो रे अरे मोको लाग्यो रे सत्संगिया थारा भाग जाग्या रे, मोको लाग्यो रे। संत पधारा मारो मेलो लाग्यो रे, दूर दूर सो दूर दूर सो संत पधारा मारो मेलो लाग्यो रे। चित्रकूट पर अमृत बरसे, चित्रकूट पर अमृत बरसे, आनंद जाग्यो रे मोको लाग्यो रे, अरे मोको लाग्यो रे सत्संगिया थारा भाग जाग्या रे, मोको लाग्यो रे मोको लाग्यो रे। मुक्तिरो दरवाजो खुल गयो, मुक्तिरो दरवाजो खुल गयो, कलच जुगा गयो रे मोको लाग्यो रे, अरे मोको
रे सतसंगिया तारा भाग जाग्या रे मोला जोरे मोला जोरे महापुराण की कथा का श्रवण किया है और कर रहे हैं। मैं व्यासपीठ की तरफ से आप सबको ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आज की कथा में हमारे विशेष अतिथि गांव सारुंडी से आए हुए हमारे सरपंच साहब श्रीमान रानू सिंह जी सांकला वर्तमान हमारे सरपंच साहब श्रीमान रानू सिंह जी सांकला जो समय निकाल करके व्यासपीठ की तरफ से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। मैं व्यासपीठ की तरफ से सरपंच साहब को ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद और ज्यादा से ज्यादा साधुवाद देता हूं, क्योंकि आज से 5 साल पहले जो चुनाव थे उसी में भी आप नागौर जिले में मेरी भागवत चल रही थी तो आप समय निकाल करके भागवत जी ने आशीर्वाद लेने के लिए आए थे और आप विजयी हुए। उसी प्रकार आपने पुणे समय निकाल करके भगवान की आशीर्वाद लेने के लिए आप और आशीर्वाद तो कहने के पांडे तू कहीं नहीं थारी यात्री अपने आप दे दे। हमारे सरपंच साहब खाली राजनीति में अड़ी बात नहीं है, धर्म नीति में भी यारो बहुत मोटो योगदान है। सरुंडी में जो गौशाला चल रही है गौशाला मैंने संचालन और अध्यक्ष रूप में आप काम कर रही हो, गौ माता सहयोग में आप ज्यादा से ज्यादा योगदान रहे, ज्यादा से ज्यादा आप सहयोग रहे और जहां तहां सौंदर्य क्षेत्र में भागवतरी कथा हुई है, हमारी भी बहुत कथा हुई है तो अगला ज्यादा हर सरपंच साहब भी भाग ले और सहयोग आर्थिक सहयोग भी करे। तो मैं रणु सिंह जी को व्यासपीठ की तरफ से सरपंच साहब को धन्यवाद और आशीर्वाद भी देता हूं। आप अब चुनाव एकदम वोट एकदम नजदीक आ गया तो समय आपने कहने बहुत कम हो फिर भी आप समय निकाल आया है तो मैं आपने ज्यादा धन्यवाद और समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद।
कहीं महाराज आइए क्योंकि यार बाहर हो ना बेटा हार या भाई कि हाकरा को लगे पंचायत समिति के द्वारा हमारे श्रीमान दुर्गाराम जी नाई आपने समय निकाल करके भागवत जी की कथा का श्रवण किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की आशीर्वाद लेने के लिए आप पहुंचे हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद साधुवाद। आशीर्वाद के साथ भी आपने 5100 रुपए 5100 रुपए भागवत जी की कथा के लिए भेंट किया है। आपको ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद क्योंकि धर्म के काम में धन को लगाना बहुत कठिन होता है और चुनाव माहौल में तो लगना और भी कठिन है। जनता जनार्दन है भाई, अबार तो जनता की सेवा ही सब मोटी है। अबार जनता आपकी हेल्प करेला पर 5 साल तक आप जनता की हेल्प करोला, जनता रो सहयोग करोला आप तो ए वादा है आपका। बोलो भागवत भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैयालाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, समय निकाल करके भागवत की कथा में आए हैं। तो एक दिन मन भी वोट देने वास्ते पूरे साथ भागवत जी ने आप ही पहुंचाइए थे। हमारे सरपंच साहब श्रीमान रानू सिंह जी ने भागवत के चढ़ावे के रूप में भेंट के रूप में 5100 रुपए भेंट किए हैं। तालियों के द्वारा इनका स्वागत। परीक्षक ने पूछा, महाराज अब मैं उस कथा का श्रवण करना चाहता हूं जिसमें भगवान ने नाम का एक पर्वत था, उनके ऊपर बहुत बड़ा जलाशय जिसमें एक बहुत बड़ा मगरमच्छ निवास करता था और जिसके भीतर 10,000 हाथियों का बल था। उसके आसपास के जंगल में एक बहुत बड़ा गजेंद्र था जिनके भीतर भी 10,000 हाथियों का बल था। मध्यान्ह के समय उनको प्यास लगी, जल की तलाश करता करता वो जलाशय की तरफ बढ़ने लगा। सामने जो भी पेड़ आता था उनको उखाड़ करके वो फेंक देता और रास्ता तैयार कर लेता और हाथी जाकर के जलाशय में पानी पीता है, बाहर निकलने लगता है तो घड़ियाल ने उनके पीछे की टांग को पकड़ लिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमान रामेश्वर लाल जी डूडी गांव सारूंगा से सरपंच साहब के साथ में पधारे हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान रामेश्वर जी डूडी व्यासपीठ के पास पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए। Thank you.
साहब ने भेंट किया है। व्यासपीठ की तरफ से उनको भी धन्यवाद। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, हाथी पहले अपने बल पर लड़ा, फिर हथियारों के बल पर लड़ा। घड़ियाल जलचर प्राणी था, जल के भीतर उनकी शक्ति बढ़ने लगी। हाथी स्थली जीव था, इसलिए जल के भीतर उनकी। हाथी विचार करता है कि ये घड़ियाल नहीं है, मेरा काल है, मुझे निकल जाएगा। प्राचीन काल का सीख करके कंठस्थ किए हुए गजेंद्र मोक्ष नाम के स्तोत्र का वो चिंतन करने लगा और भगवान का मानसिक पूजन किया, नारायण शब्द का उच्चारण किया। बैंकोट से गरुड़ की पीठ पर चढ़ करके भगवान भागे। फिर भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया, नीचे उतर आए और भगवान ने डूबते हुए हाथी को बचा लिया। थूंड को पकड़ करके बाहर खींच करके निकाल दिया और चक्र से भगवान ने घड़ियाल की गर्दन को काट दिया। हरि नारायण भगवान की जय। हरि नारायण भगवान की जय। हाथी का शरीर छूट गया क्योंकि वो प्राचीन काल का इंद्रदुम्न नाम का राजा था। लोमस ऋषि के श्राप के कारण इनको हाथी की योनि में आना पड़ा। आज भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। फिर भगवान ने घड़ियाल का भी उद्धार कर दिया, जो ऋषियों के श्राप से घड़ियाल की योनि में आया। ये भगवान का हरि अवतार है। सवेरे जल्दी उठ करके गजेंद्र मोक्ष नाम के स्तोत्र का जप करता है, पाठ करता है, उनके दुख स्वप्न का नाश होता है। जो नित्य पाठ करता है वो 84 के चक्कर से छूट जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस कथा का श्रवण करता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। ये भगवान हरि अवतार की कथा है। हरीश हरी भजले कामों का है। हरी भजले कामों का है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सातवें स्कंद को समापन किया गया केवल प्रहलाद की कथा में। आठवें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन किया गया। इनकी अवान्तर हाथ जोड़ करके परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज अब मैं कच्छप अवतार की कथा का श्रवण करना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं राजन,
तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछ लिया। इसी कथा के अवान्तर भगवान के लगभग 3 अवतार होने वाले हैं। भगवान की जय। जरा शांति से श्रवण कीजिए, ये बड़ी भागवत की विशेष कथा है। भगवान ने देवताओं से कहा कि अब क्या करें, इस समय देवती बड़ी बलवान है और बलवान के साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए तुम्हें एक काम करना चाहिए। अरे देवतियों के साथ में संधि कर लो और संधि करने के लिए अस्त्र शस्त्र को नीचे रख दो, तुम झुक कर के जाओ। प्रभुता से लघुता बड़ी, प्रभुता से प्रभु दूर, कीरी शकर। कुछ काम झुकने से होता है, जैसे कांटे से कांटे को निकाल करके फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार राजनीति कहती है कि शत्रु से अपना काम बनाने के बाद में शत्रु का मूलो छेदन कर देना चाहिए, शत्रु का समूल नाश कर देना चाहिए। तुम देवतियों के साथ में संधि कर लो और देवती और देवता मिलकर के समुद्र का मंथन करो। समुद्र से अमृत निकलेगा, अमृत पीने से आप अमर बन जाओगे। भगवान की बात को मान करके देवताओं ने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिया और सारे के सारे देवता ने राजा बलि से जाकर के कहा, बलिराज हमने विचार किया है कि हम समुद्र का मंथन करेंगे, समुद्र से रत्न निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। राजा बलि ने कहा उसमें हमें क्या मिलेगा। देवताओं ने कहा जो रत्न निकलेगा उसमें आधा भाग आपका होगा। राजा बलि ने स्वीकार कर लिया और देवता और दैत्य सागर के तीर पर पहुंचे। ब्रह्मा जी भी आए हैं, विष्णु भगवान भी आए हैं, ऋषि मुनि भी आए हैं, साधु संत भी आए हैं। भगवान बोले इतने बड़े समुद्र का मंथन करेंगे ना तो सबसे पहले मथाने की आवश्यकता होगी, मतलब जहमने की जरूरत पड़ेगा और सामान्य मथानिया टूट जाएगी, इसलिए हम भद्राचल की मथानी बनाएंगे। जाओ भद्राचल को उठा करके लाओ। और सारे के सारे देवता और देवते भद्राचल को उठाने के लिए गए पर कोई भी उठा नहीं सके। हजारों कोसों तक फैले हुए भद्राचल को कौन उठा सकता है, तो भगवान ने जाकर के सबसे छोटी अंगुली से उठा लिया और ला करके समुद्र के तीर पर धर दिया। भगवान बोले मथानी आ गई, अब नेति की आवश्यकता होगी, रस्सी की आवश्यकता होगी, सामान्य डोरियां टूट जाएगी, हम बासु की नाक की डोरी बनाएंगे। बासु की नाक को लाने के लिए देवता और दैत्य समुद्र के तीर पर पहुंचे। वासु की नाक के पास पहुंचे तो वासु की ने इनकार कर दिया, समुद्र मंथन में मैं आपका सहयोग नहीं कर सकता क्योंकि समुद्र मंथन करने से मेरी रीढ़ की हड्डियां टूट जाएगी, मुझे क्या मिलेगा। देवताओं ने कहा हम किसी भी नाग और सर्प को अमृत पान नहीं कराएंगे, लेकिन आपसे वादा करते जरूर आपको अमृत पिलाएंगे, इतने पर भी आप नहीं चलोगे ना तो गरुड़ जी महाराज को भेजना पड़ेगा। गरुड़ जी का नाम सुनकर के वासु की नाग भी डर गया, उसने स्वीकार कर लिया, वो भी आ गया। भगवान बोले कोई भी काम किया जाता है ना तो सबसे पहले गणेश जी महाराज का पूजन किया जाता है। विष्णु भगवान ने समुद्र के तीर पर सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया। गणेश वेकदंतं च हेरंबं विघ्ननायकं लंबोदरं सुरपकर्णं गजवक्त्रं गुहाग्रजं। वेद से निकले हुए 8 नाम से गणेश जी का पूजन किया, पुराने से निकले हुए 12 नाम से गणेश जी का पूजन किया। गणेश भगवान की कथा हुई, गणेश जी महाराज का प्रसाद दिया, उनका कीर्तन हुआ। विष्णु भगवान बोले अब समुद्र का मंथन करो। समुद्र में पर्वत को जब छोड़ा गया तो पर्वत पानी में डूबने लगा, देवता और देवतियों के बीच में हाहाकार मच गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा,
मदरासल पानी में डूब जाएगा तो समुद्र का मंथन कैसे होगा। तब समुद्र के जल के नीचे भगवान ने एक अवतार धारण किया। कच्छप नारायण भगवान की जय। कच्छप नारायण भगवान की जय। भगवान ने काश्यप का अवतार धारण कर लिया। 1,00,000 योजन लंबे और 1,00,000 योजन चौड़े काश्यप बनकर के मद्राचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। देवताओं के लिए और संसार की रक्षा के लिए भगवान ने काश्यप का अवतार धारण किया है। कच्छप नारायण का अवतार धारण किया है। तदनंतर समुद्र का मंथन होने लगा। सबसे पहले समुद्र का पानी दूध के जैसा हो गया, तदनंतर दही के जैसा हो गया। जिस प्रकार दही से मक्खन निकलता है उसी प्रकार समुद्र से जहर निकल गया। जेर के प्याले को देख करके विष्णु भगवान ने कहा, जल्दी करो प्याले को थाम लो। एक बूंद भी जेर धरती पर गिर गया तो पूरी पृथ्वी जल जाएगी, आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। देवतियों ने कहा, हम तो हाथ भी नहीं लगाएंगे। मैं थोड़ी कहो के समुद्र मंथन करो था नहीं भवे अमृत। देवताओं ने जेर के प्याले को अपने हाथ में लिया, हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, प्रभु हम क्या करें, हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया। विष्णु भगवान बोले, संकट की घड़ी में शिव जी को याद करना चाहिए। सबने मिलकर के शंकर भगवान का कीर्तन किया। शिव शंकर भोले बाबा कैलाश पतियो। 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 कैलाश पतियो भगवान शिव शंकर भोले बाबा शिव शंकर भोले बाबा कैलाश पतियो। शिव शंकर भोले बाबा कैलाश पतियो। शिव शंकर भोले बाबा कैलाश पतियो। देवों के देव महादेव का कीर्तन किया तो पार्वती माता के साथ शंकर भगवान चले आए। विष्णु भगवान ने शिव जी को उच्च स्थान पर बिठाया और जेर के प्याले को अपने हाथ में लिया। शंकर जी के पास जाकर के कहा, भगवान घर में फंक्शन पार्टी होती है, ब्याह शादी होती है, जगड़ जमा होता है तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। और 33 करोड़ देवी देवताओं के भगवान तो महादेव है, देवों के देव है। शंकर भगवान को हंसी आ गई कि एड़ो भी कोई प्रसाद हुए। विष्णु भगवान ने शिवजी के हाथ में जेर का प्याला दिया तो गोरे गोरे शिवजी ने श्याम वर्ण के जेर का पान किया तो शंकर जी का गला नीला हो गया। नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ महादेव की। उत्तराचल की यात्रा करता है ना तो हरिद्वार से आगे ऋषिकेश है, ऋषिकेश से आगे नीलकंठ महादेव का दर्शन होता है। जेर पी करके शंकर जी ने प्याले को भूमि पर रख दिया। जिन जिन सर्पों ने जेर के प्याले को चाटा वो विषीला हो गया। माकी ने अपने मस्तिष्क को रगड़ा तो उनके मस्तिष्क में जेर हो गया। बिच्छू ने पूंछ को रगड़ा तो उनकी पूंछ में जेर हो गया। हाँ छोटो को वह अपना हथियार लिया बै बिच्छू खावे एडी में और दर्द हुए माथे के वे 100 अपराध हुए ना अगर बिच्छू खावे और 1,000 अपराध करे तो ना हाफ खावे। उन्होंने बात कही मैं लिखूंगी कटिंग में देख नित काल पूछ ले महाराज कट लिखूंगा।
डिगा बड़दग मगरे महू मालवे जाय लिखी आखर झूठा पड़े के चेला कुड़वा के साथ में। सुखदेव जी कहते हैं राजन उनके बाद में समुद्र का मंथन किया। अब की बार समुद्र से निकली सुरभि। भगवान ने कहा इनका नाम है कामधेनु। देवतियों ने कहा हमें दे दो, देवताओं ने कहा हमें दे दो। भगवान बोले पहली भेंट भगवान की होती है, दूसरी भेंट ब्राह्मण की होती है, दूसरा नंबर ब्राह्मण का होता है और वो गाय वशिष्ठ जी को दी गई। तीसरी बार समुद्र का मंथन किया, अब की बार समुद्र से निकला एक घोड़ा। भगवान ने कहा इनका नाम है उच्च सर्वा। देवतियों ने कहा हमें दे दो, राजा बलि इसके ऊपर बैठेंगे। वो घोड़ा देवतियों को दिया गया। चौथी बार समुद्र का मंथन किया, ऐरावत नाम का हाथी निकला। देवतियों ने कहा घोड़ा वापिस लीजिए, हाथी हमें दीजिए। भगवान बोले लालच मत करो, वो हाथी देवराज इंद्र को दिया गया। पांचवी बार समुद्र का मंथन किया, कल्प वर्ष निकला, समुद्र की तीर पर उसको लगा दिया। फिर समुद्र का मंथन किया, कहते हैं समुद्र मंथन करते समय पांचवी बार मंथन किया गया तो उनमें से निकली अप्सरा, स्वर्ग की सुंदरियां। वो किसी के पास नहीं थी, वो स्वर्ग में चली गई। फिर समुद्र का मंथन किया, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने गले में माला के रूप में धारण किया। चंद्रमा निकला, शिवजी ने शीश पर धारण किया। अब की बार समुद्र का मंथन किया तो समुद्र से निकली मदिरा, मध्य, शुरा, श्राप और दारू। घड़े नाम है, दारू के घड़े को देकर के देवताओं ने हाथ जोड़ लिया, ऋषियों ने हाथ जोड़ लिया। देवतियों ने पूछ लिया कि इसमें क्या है। भगवान बोले इसमें बड़ी अच्छी चीज है, यदि कोई पीता है ना, नो टेंशन एंड नो डिप्रेशन। फिर तो गटर के ऊपर सोता है ना तो भी बड़ी अच्छी उनको नींद आती है। बुद्धि को मारने वाला और लक्ष्मी को धक्के देकर के निकालने वाला ये मदिरा है। संसार में रसों का जो सार है उनका नाम है अमृत, और रस का जो मल है उनका नाम है मदिरा। एक ब्राह्मण की हत्या करो, एक गुट का दारू लो, एक समान पाप है। दारू के घड़े को हजार बार अग्नि से जलाओ तो भी शुद्ध होने वाला नहीं है। दारू के बर्तन को लाख बार गंगा जल से मांझ लो तो भी शुद्ध होने वाला नहीं है। इतना अपवित्र हमारे शास्त्रों ने दारू को माना है। और धरती पर रावण के समान कोई विद्वान नहीं था, लेकिन दारू पीने के कारण रावण की बुद्धि का नाश हुआ। यदि नहीं करता मदिरा पान नष्ट नहीं होता उनका ज्ञान, यदि नहीं करता मदिरा पान नष्ट नहीं होता उनका ज्ञान। रावण यदि दारू नहीं पीता तो रावण की बुद्धि का नाश नहीं होता। दारू पीने की बात नहीं है, दारू पीने वाले लोगों का संग भी मत करो, यहां तक शास्त्रों ने कह दिया। भगवान को पता है कि वैसे भी मैं इनको अमृत पिलाने वाला हूं नहीं, कम से कम मदिरा तो इनको मिलना चाहिए। दारू पीना और मांस खाना ये इंसान का काम नहीं है, ये तो असुरों का काम है, ये राक्षसों का काम है, मांस खाना मदिरा पीना। कई लोग कहेंगे खानो खाई लो, तो खाने शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्वामी जी मना करता, भोजन कर लो, आहार कर लो, नाश्ता पानी कर लो, खानो कहने के दारू और मांस नाम खानो है। खाना शब्द ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये उर्दू का शब्द है, ये पुराण का शब्द नहीं है, कुरान का शब्द है। इनको शब्द को से निकाल दीजिए। अब आजकल घटक रहे हैं कि खानो खाओ ना माने के खानो खाओ ना। देवतियों को मदिरा दिया गया। फिर समुद्र का मंथन किया, अब की बार समुद्र से निकली अलक्ष्मी, ज्येष्ठा, दरिद्रता, और मारवाड़ी भाषा में बोलूं तो बारे गड्ढा घाटों निकली। अब घाटे में कौन ले आना चाहे महाराज, ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़ लिया, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया, देवताओं ने हाथ जोड़ लिया, ब्रह्मा जी ने, अब घाटों कौन ले आना चाहे।
उस घाटे में ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हमारे लिए कोई जगह है कि नहीं? ब्रह्मा जी बोले, चिंता मत करो, रविवार के दिन पीपल के भीतर तेरा निवास होगा। रविवार के दिन पीपल में घाटे का निवास होता है, इसलिए रविवार के दिन पीपल को हाथ मत लगाओ, उनके पास में मत जाओ। और शनिवार के दिन पीपल में लक्ष्मी का निवास होता है, शनिवार के दिन पीपल में पानी देता है, पीपल को हाथ लगाता है, उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, उनके घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है, क्योंकि शनिवार के दिन लक्ष्मी माता बैठ गए पीपल में, और रविवार के दिन बुआ जी बैठा रहे घाटो अल को पानी ना गलो तो नहीं तो गलो ही बने। जिसके घर में संध्या के समय दीपक नहीं जलता है, उनके घर में घाटे का निवास होता है। दिन बदे जगहों पर ली घर में दीपक जल जाना चाहिए, और दिन उगे जगहों पर ली घर में दीप लाग जाना चाहिए। ध्यान में एक नहीं है हमारी बात। लक्ष्मी जी से पूछा गया कि 24 घंटा आप किसके घर में निवास करती हो, तो उसने उत्तर दिया है कि दिन बदे जगे ऊपर ली जगे घर में दियो लाग जावे, और दिन उगे जगे ऊपर ली जगे घर में दियो जल जावे, भी करने में कभी नहीं छोड़ू, 24 घंटा भी घर में रहू, दिन बदिया रे बाद में दियो नहीं लगाऊ, दिन बदे जगह ऊपर ली और दिन उगे जगह ऊपर ली सूर्य जावे जगह ऊपर दियो लाग जाना चाहिए। देखो स्नान करे जकर लागे महाराज को दियो, नहीं तो जागते ही रहे। जिनके घर में संध्या के समय मटकी में पानी नहीं होता है, चूल्हे में आग नहीं जलती है, उनके घर में घाटे का निवास होता है। अब एक रुपयी हुए ना जन तो टेम मत मटकियां भरीजिया में, दो हुए ना जन वही रानी तो ही रानी कुड़ गले चूल्हे में छाड़ी, पचे तो कटी जाऊन हुए ना तो महाराज आगे कचौड़ी समोसा ही खाना पड़े। भेदभाव नहीं करना चाहिए, दौड़ दौड़ काम करना चाहिए। गणी लोग काम देखो या करे कम है उल्टो। जिसके घर में संध्या के समय दीपक नहीं जलता है, पलिंडे में पानी नहीं होता है, चूल्हे में आग नहीं होती है, उनके घर में घाटे का निवास होता है। जिनके घर में स्त्रियों के बाल टंगे हुए होते हैं, उनके घर में घाटे का निवास होता है। माताएं बहन बेटियां चोटी बनाती है ना तो कुछ बाल टूट जाते हैं, उनको तत्काल घर से बाहर फेंक देना चाहिए। जो स्त्री उनको घर में रखती है ना उनके घर में घाटे का निवास होता है। और सुनो, बनी हुई रसोई में एक भी बाल पड़ जाता है ना वो भोजन अखाद्य हो जाता है। हांगरी और साग हुए, गवार फली और साग हुए तो राम जी बचावे, एक दो माते रुकेश तो जरूर आवे, पर जकी चीतरी मायने माते रुकेश पड़गियो बात चीज आप खा नहीं सका, भगवान ने चढ़ नहीं सके, एक ही माते रुकेश पड़ने के बाद में वो भोजन अपवित्र हो जावे। पर माने तो घने बार थाली जीवता जीवता ही छोड़नी पड़े, आपने भी कह, इसलिए चोटी करने के बाद में टूटी हुई बाल को तत्काल बाहर फेंक देना चाहिए। आजकल बाल हो जाने वाला अलग रेवे और केस रंगने वाला बड़ा दूजा रेवे, हल्दी कंग से ना रे भयंकर लापरवाही। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, जिनके घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, उनके घर में घाटे का निवास होता है, जाओ उस घर में निवास करो। और सब ज्यादा घाटो कट रहे थे मल में जकर घर में धनी और लुगाई के बीच में झगड़ो चले ना, पर चाहे लाखों रुपया और चाहे करोड़ों रुपया और टिके की को है पली मेरे पानी को टिके पच के महाराज में कमावे घणी है कमावे घणी है, पर बरगद को करनी करे कटो 24 घंटा बड़बड़ करता रहे वो फुटू ठीक रो करे। जिनके घर में सूर्य उदय तक लोग सोते रहते हैं, उनके घर में घाटे का निवास होता है। दिन हो गए जगह पर लौट जाओ महाराज, बेटी हो बेटा हो बहू हो चाहे कोई नहीं क्यों न हो, सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। हिनान तो हिनान करेंगे, उठने रो नियम तो ले, और रात के समय दही के भीतर घाटे का निवास होता है। दिन में जितना दही खाना है ना उतना खाओ, पर रात में जो दही खाता है उनकी लक्ष्मी का नाश होता है। घर में और परिवार में शादी होती है ना तो सासू जवाई को दही देने के लिए आती है,
पर सासु जवाई के मुख में दही नहीं देती है, जवाई के माथे में दही देती है। हकरी में तो हावड़ दिवे नहीं तो नाकड़ा रागड़ा गली भरी जाए। सासु जवाई के मुख में दही क्यों नहीं देती है कि रात का समय है और दही में घाटे का निवास है। दही के बिना काम सही नहीं होता, देना तो पड़ता है, पर वो माथे में देती है। इसलिए रात में कभी दही मत खाओ, कभी किसी को दही मत खिलाओ। और रात में खीर का हमारे शास्त्रों ने बहुत निषेध किया है। रात्रि टाइम में खीर कदे नहीं बनानी चाहिए, खीर दिनों को नहीं लिया करें, दोपहर पहले पहले। ब्राह्मण के लिए, देवता के लिए ही घर में खीर बननी चाहिए, प्रसाद के रूप में खावे और दूसरों को खिला दे। घना ही बताया अपना, देखो विस्तार कर दे, समय नहीं है। लक्ष्मी का विभाजन किया, फिर समुद्र का मंथन किया। अब की बार समुद्र से भगवती महालक्ष्मी निकली और लक्ष्मी जी ने अपने हाथ की माला भगवान के गले में पहनाई तो प्रकट होकर के समुद्र ने लक्ष्मी का कन्यादान भगवान के साथ में किया। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उनके बाद में समुद्र का मंथन हुआ। अब की बार धन्वंतरी अमृत के कुंभ को लेकर के प्रकट हुए। धन्वंतरी नारायण भगवान की जय, धन्वंतरी नारायण भगवान की जय। दैत्यों ने भगवान धन्वंतरी के हाथ का कुंभ छीन लिया, पीने के लिए पिलाने के लिए लड़ने लगे तो भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी नारायण भगवान की जय। सारे के सारे दैत्यों को भगवान ने काम से मोहित कर दिया और पूरा का पूरा अमृत भगवान ने देवताओं को पिला दिया। राहु नाम का एक दैत्य चालाकी से आकर के देवताओं की सभा में बैठ गया। एक बूंद भगवान ने जान बूझ कर उसको भी दिया। सूर्य भगवान ने चिल्लाते हुए कहा, भगवान ये राहु है, तो भगवान ने चक्र से उनकी गर्दन को काट दिया। धड़ भी अमर हो गई और माथा भी अमर हो गया। मस्तिष्क था वो राहु कहलाया और जो धड़ थी वो केतु कहलाया। भगवान ने राहु केतु को बुला करके कहा, आज से तुम्हें आसुरी कर्म छोड़ना पड़ेगा। तो गृहस्थियों के घर में नौ ग्रहों में तुम्हारी गिनती होगी। पहले सात ग्रह थे, सात बार को सात ग्रह कहते हैं। आज से मंडप में नौ ग्रहों की पूजा होगी। उनके लिए तुम्हें देवताओं के साथ में संधि करनी पड़ेगी, मैत्री स्थापित करनी पड़ेगी। राहु केतु ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन सूर्य चंद्रमा के साथ आज भी वो वैर रखता है। साल में दो तीन बार कभी कभी ग्रहण लगता है। छह साल के बाद ये सूर्य ग्रहण आया था, अभी थोड़े दिन पहले चला गया। छह साल के बाद में आयो सूर्य ग्रहण, लेकिन चांद ग्रहण साल में दो तीन बार आता है। विष्णु भगवान के चक्र के द्वारा सूर्य और चंद्रमा की रक्षा होती है। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र आता है, ब्रह्मा मुरारिश त्रिपुरांतकारी वामः शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि रावु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस सूत्र का दिन में दो तीन बार उच्चारण करता है, उनकी साड़ी साथी शांत हो जाती है, उनका ढैया शांत हो जाता है, उनकी ग्रह शांत हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु के साथ नौ ग्रहों का नाम आया है इस सूत्र में। उनके बाद में गमसान युद्ध हुआ, अमृत पीकर के देवता अमर हो चुके थे। मार मार करके देवताओं ने दैत्यों को नष्ट कर दिया, समाप्त हो गए थे। देखते बचे कुचे देखते राजा बलि को लेकर के पाताल में चले गए। देवताओं की जीत हो गई और देव राजेंद्र ने भगवान की कृपा से खोए हुए राज को पुनः प्राप्त कर लिया। देवता के संकट का निवारण करने के लिए भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया।
भगवान ने धन्वंतरी अवतार धारण किया, भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और तीन अवतार धारण करके भगवान ने देवताओं के संकट का निवारण किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस कथा का श्रवण करता है वो 84 के चक्कर से छूट जाता है। बोले भागवत भगवान की जय, वैकुंठनाथ भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, तुलसी माता की जय। प्रिय सज्जनों और माताओं और बहनों, आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को यहीं विराम दिया जाता है। अब आरती होगी, आरती के बाद में आपको प्रसाद दिया जाएगा, बड़ी अद्भुत कथा होगी। पहले इस पंडाल में भगवान का 52 अवतार होगा, 3 पाउंडा धरती देवी मंडू कुटिया छोटी, वो विस्तार से कल के दिन कथा होगी। फिर भगवान का मत्स्य अवतार होगा, फिर एकादशी की कथा का वर्णन किया जाएगा, उनके बाद में गंगा की कथा का वर्णन किया जाएगा कि गंगा गंगा में स्नान करने से कितना पुण्य मिलता है, गंगा का नाम लेने से क्या होता है, ये कथा कल के दिन आएगी। फिर इसी पंडाल में कल भगवान श्री राम का अवतार होगा और छोटे रूप से पूरी की पूरी राम कथा का वर्णन किया जाएगा, उनमें स्त्री धर्म का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती।